Assalamualaikum beautiful people. This is Misha Mas, your English instructor, and once again I have come with a new video. And today I'll be telling you the meaning of postpone, its synonyms as well as the examples. So let's get started. आप लोगों ने ये वर्ड बहुत जगह ज़रूर देखा भी होगा और सुना भी होगा। अगर हम इस वर्ड की मीनिंग देखें तो आपके पास इस वर्ड की मीनिंग होती है मुलतवी करना। किसी काम को किसी वजह से कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए कैंसिल कर देना, मख़र कर देना, वो कहलाता है पोस्टपोन। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसके सिनोनिम्स आपके पास होते हैं डिफर, डिले, बैक, adjourn and put off. Now the question is how this word is used in a sentence. For example, हमारे पास यहाँ पे एक sentence दिया हुआ है कि the conference has been postponed due to heavy rain. जो इजलास है वो postpone कर दिया गया है, defer कर दिया गया है, delay कर दिया गया है, put back कर दिया गया है, adjourn कर दिया गया है, put off कर दिया गया है, but why? Due to heavy rain, शदीद बारिश के बाइस, शदीद बारिश के बाइस जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब जब बारिश रुकेगी तभी इजलास जो है दोबारा वो शुरू किया जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपको फॉलो भी कर लें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।